अस्सलामु अलैकुम भाई, आज है जुम्मा, जुम्मतुल मुबारक एट मक्का। इस जगह पे अब वो वहाँ से अंदर जाके जो है ना मस्जिदुल हराम आती है, लेकिन अब यहीं से जो है ना, देखिए इतनी लंबी लाइन है वो पिछले, और ये लाइन वो आगे थे तो ये है। जल्दी हम आ नहीं सके क्योंकि बच्चियाँ सो रही थी इनकी तैयारी करते करते, स्टिल हम लोग एक घंटे पहले आए, लेकिन जल्दी आए आप लोग जो कोशिश कर सकें, बच्चों को उठाएँ जल्दी और आ जाएं, और सुबह 9 बजे आए। फिर उसके बाद ये होगा कि फिर आपको बच्चे संभालने पड़ेंगे काफ़ी टाइम तक, और बस क्या करें, जहाँ मिलती है वहाँ पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो गारेरा जाने लगे हैं। इनिशियली सोचा ये था कि जो बसेस चलती हैं फ्री उन पे जाए, लेकिन जो वीडियो मिली हमें यूट्यूब से ही वो काफ़ी ज़्यादा चल के जाना पड़ रहा है, तो हमने ये सोचा कि अभी टैक्सी करा लेते हैं, और क्योंकि मिसेस जीएम भी साथ में है तो इतना चलना अच्छा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ की जो चढ़ाई है बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने वाली है, और कहते हैं कि आना जाना जो है वो 2 घंटे लग जाते हैं। तो खैर, इसका एक्सपीरियंस भी वीडियो इसलिए बना रहा था कि एक्सपीरियंस आप लोगों का शेयर कर सकूँ, और ठीक है फिर बताते हैं आपको। अभी टाइम तकरीबन 3 बजने वाले हैं, गर्मी ठीक ठाक है, और दुआ कीजिएगा भाई। टैक्सी है, थोड़ा सा नीचे छोड़ा था मैं, अभी जो है ना हम लोग जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रही हैं वहाँ पहुँचे, और हमारी हालत अभी से ऐसी हो गई है कि बस सांस लेनी आ रही है। सही है, चढ़ते हैं भाई ऊपर बिस्मिल्लाह करके। A few moments later. ओके जी, हाफ वे देर, शायद हाफ भी नहीं, थोड़ा सही, तो भी मैंने उतार दिए, हालत बुरी है, सांस बहुत ज़्यादा, 190 तक हमारा हार्ट रेट जा रहा है, और जो हालात हैं हम लोग इतना ऊपर पहुँच चुके हैं। यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरह का है, ज़्यादा ऊपर गए नहीं अभी तक हम लोग, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है अभी। आई एम यूजिंग दिस छतरी ऑल्सो टू ब्लॉक द व्यू, बट एक फैमिली जो है ना हमारी वो नज़र नहीं आ रही हमें, है ना। इस तरफ मक्का टावर है वो नज़र आ रहा है, हमारे लिए तो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। असल में जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके जी, कुछ इस तरह का मंदिर है यहाँ पे, अभी भी बिल्कुल टॉप पे नहीं आए, हाथ में थोड़ा सा काम पर है, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। आप जब ये सोचते हो कि ये तो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, रेलिंग बनी हुई हैं, हम लोग जॉगर्स पहन आ रहे, तो हमारे लिए इतना मुश्किल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों पे आते थे, चढ़ा करते थे, यहाँ की ऊंचाई से ही खौफ आ रहा है वो इधर, यहाँ पे कोई रेलिंग्स नहीं थी, कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत इन्हीं पहाड़ों में थे माशाल्लाह से जी। माशाल्लाह, आई थिंक दिस इज़ द टॉप। यहाँ पे जो हमारे साथ मैजिकल सीन हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं और अली वेट कर रहे थे नमाज़ पढ़ने का, रश काफ़ी ज़्यादा था,
और मिसेस जीएम जो है साइड पे जाके बैठ गई थी, इसी सूरत के वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। बट जब लोगों ने वहाँ पे मिसेस जीएम को रोते हुए देखा और वो इतनी शिद्दत से रो रही थी, उनको पता नहीं क्या चीज़ ओवरकम कर गई थी, तो लोगों ने ख़ुद उनको जगह दी और उनके ही तवस्सुस से मुझे भी अंदर नमाज पढ़ने का मौका मिल गया। और ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल, एक बहुत मैजिकल एक्सपीरियंस था हमारे लिए। वही यूँ हुआ हमारा सफ़र मुकम्मल वहाँ पे जाके, और टांगों की हालत ऐसी है कि वो हमारे हैं ना एक पॉलिटिशियन, उनकी बात याद आ गई कि कहाँ पे टांग रही हैं। ओ और फिजिकल हालत ये आप देख लो, फिजिकल हालत ये है। क्या हुआ, कहाँ पे टांग रही हैं? एक मिनट टंगाओ, कहाँ पे टांग रही हैं? चल भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम टैक्सी कराएंगे। और अभी जो यहाँ की ख़तरनाक वाली उतराई है ना, ये उतारने के लिए हमारे काम टांगे जो है ना साथ नहीं देनी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र करा मैं, टेढ़ा उतरो सही बात है। उतराई इतनी ख़तरनाक है, बंदे ने यहाँ से गाड़ी निकाली है और अब ये नीचे की तरफ, ये वाइड एंगल में शायद आपको उतराई पता नहीं लग रही है, सीधी उतराई है। बैठे कह रहे बैठ जाओ, हमें डर लग रहा है, कुछ सीधी उतराई है ऐसे बैठ जाएंगे। हमारी जिंदगी की इसकी चप्पल ही धोने में टंगी हुई है, इतना सा ब्रेक मारा भाई। ठीक है, और आगे देखो आगे क्या होगा। आखिर दो फास्ट एंड फ्यूरियस वाला सीन चल रहा है, अरब ड्राइविंग का वैसे ही आप लोगों ने सुना होगा। ये भाई जो है ना वो मोटर ड्राइवर खतरनाक, मतलब एक्सपीरियंसेस में से ये भी एक एक्सपीरियंस है कि कोई आपको मज़े वाला ड्राइवर मिल गया ना तो आपको रोलर कोस्टर वाली फीलिंग आ जाएगी। एंड ही इज़ वेरी जॉली, ही इज़ वेरी humorous person.